प्रायोजित फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा जिले की 8 विधानसभा में से सबसे हाई प्रोफाइल सीट है तोहथर। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के पौत्र, पूर्व सांसद विधायक सुंदरलाल के बेटे सिद्धार्थ तिवारी को टिकट दिया है। आज सिद्धार्थ तिवारी, पूर्व विधायक श्यामलाल, सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सिंह के साथ रीवा के कलेक्ट्रेट पहुंचे, पर्चा दाखिल किया, साफ तौर से इशारा किया भारतीय जनता पार्टी में उनको लेकर कोई भी बगावत नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे खड़ी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिद्धार्थ तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मनीष, ठीक है जी। आज आपने नामांकन दाखिल कर दिया, अब आगे की क्या है तैयारियाँ? आगे के तैयारी देवथर, विंध और प्रदेश के किले को फतेह करने। किस तरीके से? माननीय मोदी जी के द्वारा जो काम किए गए हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो काम किए गए हैं, जो डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश और देश में उन्नति लाई है, उसके बल पे हम जाएंगे। महिलाओं के लिए खास तौर से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जितनी क्रांतिकारी योजनाएँ लाई हैं और उनमें सबसे अव्वल इस समय हमारी जो लाडली बहना योजना चल रही है, जिसमें आज 1250 मिल रहे हैं और सरकार आएगी तो 3000 रुपये प्रति महिला को, प्रति बहन और माता को मिलेंगे। इतना ही नहीं, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का ये सपना है और हमारी बीजेपी और सरकार का ये सपना है कि हर महिला को कम से कम 10000 रुपये महीना की आमदनी होनी चाहिए और हम इसको करवाने में मदद करें। त्योथर के लिए खास योजना? त्योथर की योजनाएँ, बहुत सारी योजनाएँ हमारे आदरणीय विधायक जी ने वहाँ पर सड़कों पे काम किया है, घूमा इंडस्ट्रियल पार्क लाया है, चौरा घाट का आदरणीय द्विवेदी जी ने काम किया है, गांव स्तर पे काम किए हैं, स्वास्थ्य पे काम हुआ है। इन सब योजनाओं को जिसको नेक्स्ट स्टेप कहते हैं, अगली स्टेप पे ले जाने का काम है। मेरे जो तीन खास पिलर हैं जिन पर मैं काम करना चाहता हूँ, वो हैं युवा, स्वास्थ्य और महिलाएँ। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।